रामगढ़ उपचुनाव में सुदेश महतो के कुशल नेतृत्व और स्वच्छ छवि के कारण आजसू पार्टी के उम्मीदवार सुनीता चौधरी को वहां की जनता ने उनकी लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए भारी मतों से जीत दिलाने का कार्य किया। इस मौके पर आजसू पार्टी की ओर से सुभाष चौक में ढोल नगाड़े और पटाखे के साथ विजय जुलूस का आगाज किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने गुलाल और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव सह संथाल परगना के प्रभारी तरुण गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आने वाला समय यहां की जनता झारखंड में जल्द से जल्द एनडीए की सरकार बनाकर इस भ्रष्ट सरकार से झारखंड को मुक्ति दिलाने का कार्य करेगी। इस मौके पर आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार महतो, कार्यकारी जिला अध्यक्ष निमाई चंद्र सेन, जितेंद्र मंडल, साजिद अंसारी, मनोज बर्नवाल, माने वेसरा, सीता मुनि हजदार, रमेश रावत, रमेश पंडित के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। गढ़ में जिस तरह वहाँ की जनता ने ऐतिहासिक जीत एनडीए गठबंधन को देने का काम किया और विशेष रूप से माना जाए कि ये एनडीए की जीत के साथ साथ वहाँ की जनता की जीत है और कहीं ना कहीं जो झारखंड में सरकार चल रही है और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है और नित्य प्रतिदिन आप देख रहे हैं किस तरह अफसरशाही अफसरों के घरों पर करोड़ों करोड़ों रुपया निकल रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ठेकेदार हो, और जिस तरह झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुंच गया है, यहाँ की जनता उब चुकी है, यहाँ की जनता जवाब चाहती है, यहाँ की जनता इंसाफ चाहती है कि जो झारखंड हमारा बना कहीं ना कहीं वो झारखंड का सपना अधूरा रह गया और इस सपने को फिर से साकार करने के लिए रामगढ़ की जनता ने खुल करके सुदेश महतो जी का सपना था। सुदेश महतो जी ने हर रैलियों में कहा कि 1.5 लाख का पार और वहाँ की जनता ने पूर्ण समर्थन दिया। 1.5 लाख का पार नहीं, 1.5 लाख से कई पार करके एनडीए के प्रत्याशी को जो जिताने का काम किया है उसकी जितनी भी अभिनंदन किया जाए, बधाई दिया जाए वो कम ही होगा। मैं रामगढ़ की जनता को ढेर सारी साधुवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने खुल करके एनडीए को सपोर्ट किया और आने वाला समय में 2024 में यहाँ पर एनडीए का बहुमत की सरकार बनेगी, इतना मुझे विश्वास है।